छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में हुए हत्याकांड पर साय सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। कबीरधाम कलेक्टर जन्मेजय महोबी की जगह गोपाल वर्मा को कबीरधाम जिले का कलेक्टर बनाया गया है। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव को हटाकर उनकी जगह राजेश कुमार अग्रवाल को पुलिस अधीक्षक पदस्थ किया गया है। वहीं इस मामले की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही रेंगाखार थाना प्रभारी और पूरे स्टाफ को भी बदल दिया गया है। रेंगाखार थाने के 23 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है। दरअसल जिले के लोहावी डी में एक व्यक्ति का शव फंदे से लटका मिला तो ग्रामीणों को हत्या का शक हुआ। इसी शक पर गांव के कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के घर में 4 लोगों को बंधक बनाकर आग लगा दी। आग लगाने से सिलेंडर फट गया और पूरा घर जलकर राख हो गया। इस हादसे में घर के अंदर मौजूद एक व्यक्ति की भी दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और बड़ी संख्या में जवान मौके पर मोर्चा संभालने पहुंच गए। पुलिस ने हत्या के शक में 33 महिलाओं समेत 69 ग्रामीणों को हिरासत में लिया है। इस बीच हत्या के आरोप में जेल में एक शख्स की मौत हो गई। है उसके संदर्भ में कल वो हॉस्पिटल गए थे और एक एक्सरे भी उनका हुआ था, हाथ का हुआ। उस समय कुछ ये नहीं था। अभी जो भी घटनाक्रम हुई होगी और जो भी बातें हैं, जो पंचनामा के रिपोर्ट से और इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा, क्योंकि बिसरा भी वहाँ भेजा गया है, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है। उसके रिपोर्ट के आने पर भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, परंतु फिर भी गांव वालों की पीड़ा को समझते हुए और उन्होंने जो कहा कि एक अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी हैं श्री विकास कुमार, उनके निर्देशों पर उनके द्वारा भी ऐसा गांव वालों ने बताया, कुछ लोगों को कुछ उन पर प्रहार किए गए, कुछ मारा गया उनको, जिसकी प्रारंभिक तौर पर जिसको समझे जाने के लिए जेल में जब उनका प्रवेश हुआ उस समय रजिस्टर पर एंट्री मिला कि ऐसा हुआ है, उनके शरीर पर चोट के कुछ निशान मिले। और वही बात गांव वाले भी कह रहे थे। जब गांव वाले कह रहे थे तो बड़े दर्द के साथ उनका ये विषय था। और जेल में जब उसके परीक्षण किया गया, हमारे साथ डीजी जेल श्री हिमांशु गुप्ता जी भी आए हैं और उन्होंने भी उसका परीक्षण किया,